नई दिल्ली के करीब पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, कल दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जताया है। इससे पहले दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई, बारिश से एक बार फिर दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले 24 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार और गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। बुधवार आज है, आज भी बारिश हुई है, गुरुवार यानी कि कल भी बारिश होगी। यानी अब जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है, मानसून ने दस्तक दे दी है। यानी अब लोग तैयार हो जाएं मानसिक तौर पर कि अब बारिश का मौसम आ चुका है। बढ़ते तापमान से दिल्ली वाले खासे परेशान थे। पारा 40 के पार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आज दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हल्की बूंदाबांदी हुई है, तापमान में गिरावट भी हुआ है, साथ ही साथ हवा भी ठंड हवा बह रही है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। दिल्ली वाले हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शुक्ला है। कैसा लग रहा है, तापमान में गिरावट हुआ है? काफ़ी बेहतर है। 3-4 दिन से तो काफ़ी हद तक गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, गर्म हवा भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद पिछले 24 घंटे में काफ़ी बदला है मौसम। थोड़ी बूंदाबांदी की वजह से हवा जो गर्म थी वो ठंडी हुई है, तो उसका असर तो देखने को मिल ही रहा है। अब सड़क पर थोड़ा हवा लेने के लिए बिल्कुल देखने आए? हाँ नहीं, मुझे तो कहीं निकलना था, बस थोड़ा किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अभी इस समय, वो आ जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो इंतज़ार है उनके आने का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों के बाद तापमान में और गिरावट हो सकती है और बारिश भी होगी। दिल्ली और NCR की हवा और ज़्यादा साफ होगी और गर्मी से, तपती गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।